अल्काइन, अल्काइन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, दो दो हो तो उसे डाई आइन, थ्री हो तो ट्राई आइन, फोर हो तो टेट्राइन करेंगे। सबसे पहला मेंबर जो इसका होगा, दो कार्बन के साथ स्टार्ट करेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, और इधर इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, वन एंड टू। टू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं, तो इसका नाम अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या यूज करेंगे, इथ वन आइन। और हम लोग इसे क्या, कौन जो अगर हम लोग अगर इसका कॉमन नेम क्या होता है, ये आप हमें कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या होता है इन सारे का, ठीक है। वैसे ही अगर अगर हम इसके एक CH3 जोड़ दें नेक्स्ट मेंबर की तरफ अगर चले तो क्या होगा, वन टू एंड थ्री। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। तो इसका देखिए क्या होगा, तीन कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप, फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड, इसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्रॉप वन आई नंबर एंड इंग्लिश के बीच में हमेशा डैश। आइन क्या होता है, सफिक्स जो होता है अल्काइन ग्रुप के लिए, सफिक्स जो होता है आइन होता है YNe। वैसे अगर इसका नेमिंग करना हो तो वन टू थ्री एंड फोर, इधर से भी करेंगे तो वन टू थ्री एंड फोर सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इसे लिखना, चार के लिए कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट सेकेंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड टू आइन। यहां देखिए नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम नंबर किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड को, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, फोर पे एक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है जो कि सेम है, इसलिए मैंने सीधे ले लिया। तो फोर मिथाइल, क्योंकि प्रीफिक्स को मेरे में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन जो उसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है तो फोर मिथाइल, फोर मिथाइल कितने कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने पेन, किस पे है, डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे, इस तरह से। मेरे को लगता है कि अल्पेक नोमेनक्लेचर जो है कॉमन नेमिंग से भी क्या होता है, सिंपल होता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है। यहां देखिए फिर से नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर, कितने इसमें डबल बॉन्ड है, दो, कितने कार्बन, फोर, फोर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट वन एंड थ्री पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो वन थ्री डाई आइन। अब इसको देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया था कि सबसे ज्यादा प्रीफरेंस क्या देना है, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा उसे देना होगा, नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। थ्री पे एंड फोर पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है किसका, इथाइल ग्रुप का, दो कार्बन है तो इथाइल, तो थ्री फोर, थ्री फोर डाई इथाइल कितना है, हेक्स, सिक्स कार्बन, इसलिए हेक्स। कहाँ कहाँ पे है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट पे एंड फिफ्थ पे, हेक्स वन फाइव डाई आइन। अब कुछ ऐसा एग्जांपल हम लोग करें जिसमें अल्कीन डबल बॉन्ड भी हो एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड अगर इसमें
जिसमें हमें नंबरिंग करना हो तो किस तरह से हम नंबरिंग करेंगे? इसका अगर नंबरिंग करना हो तो क्या इस तरह से करें या इस तरह से करें? दोनों तरह से अगर हम इस तरह से करते हैं तो 1 2 3 ये जो है, और अगर इस तरह से करते हैं तो 1 2 3 4 कौन सा सही होगा? देखिए इन और आई में अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट होता है? ई पहले आता है वाई से, तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो इनको प्रिफरेंस देंगे, तो नंबरिंग जो होगा इस तरह से ना होगा, कैसे होगा 1 2 3 4। और इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन एंड 3 आई। क्या लिखेंगे? पहले पोजीशन पे चूंकि इन है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए इन एंड यहाँ के लिए आई। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो देख के घबराना नहीं है। नंबरिंग करते समय प्रिफरेंस किसको पहले देना है? डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। क्यों? क्योंकि ई जो है पहले आता है वाई के, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड में इसलिए हम लोग उसको प्रिफरेंस दे रहे हैं, नहीं। क्या कर रहे हैं? यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।